पर्सपेक्टिव ड्राइंग। पर्सपेक्टिव जो है ना वो मेथड है 3D ड्राइंग ड्रा करने का, ठीक है, कि किसी तरह से हम पेज पे किसी चीज़ को नज़दीक और दूर दिखा सकते हैं, 2D पेज पे 3D इमेज। आपने अक्सर पिक्चर्स वगैरह देखी होंगी, उनमें ड्राइंग्स ऐसी बनी होती हैं कि आपको लग रहा होता है कोई पिक्चर के हम अंदर जा रहे हैं, दूर तक आपको नज़र आ रहा होता है, जैसे स्ट्रीट का कोई व्यू हो सकता है, उसमें ऐसा लगता है दूर तक एक हमें इमेज नज़र आ रहा है और वो हम पास खड़े हैं उसके और वो दूर जा रहा है, इसी तरह से डेप्थ आ जाती है और नियर और फार चीज़ें हम किस तरह से दिखा सकते हैं। अब इसमें आपने पर्सपेक्टिव ड्राइंग बनाने के लिए दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है, एक इसमें आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, दूसरा आ जाता है वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट। एक आ जाती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ बनती है? हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है हमारे आई लेवल पे, ठीक है, उसके बाद वैनिशिंग पॉइंट आ जाता है। पहले हॉरिजॉन्टल लाइन बनती है हमारे आई लेवल पे। हॉरिजॉन्टल लाइन में आप देखो, अगर आप किसी ऐसी जगह पे खड़े हुए हो जहाँ पे आप एक आप हाईवे पे जा रहे हो फॉर एग्जांपल, ठीक है, और आपको एक जगह दूर बिल्कुल इस तरह से लगेगा कि जो रोड है और जो आसमान है, यानी ज़मीन और आसमान, अर्थ और स्काई, वो दोनों एक जगह पे मिल रहे हैं और वहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन आपको लगता है कि बन रही है, वो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। और इसके अलावा अगर आप किसी इनडोर जगह पे हो तो वहाँ पे आपके आई लेवल पे बनेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाता है वैनिशिंग पॉइंट। वैनिशिंग पॉइंट क्या होता है? अब आप यही वाली एग्जाम्पल दोबारा ले लो, आप एक हाईवे पे जा रहे हो और रोड आपको एक जगह पे बिल्कुल आगे जाके ऐसा लगेगा कि वहाँ पे रोड बिल्कुल मिल रहा है और ख़त्म हो रहा है, वैनिश हो रही है हर चीज़, ठीक है। साइड पे ट्रीज़ हैं वो भी आपको लगेगा उधर जाके मिल रहे हैं, इस साइड के ट्रीज़ भी, हर चीज़ आपको एक पॉइंट पे जाती हुई नज़र आएगी, वो हमारा वैनिशिंग पॉइंट होगा, ठीक है। इसी तरह से ये दो चीज़ों का आपने हर चीज़ में ख्याल रखना है। अब हमारे पास पर्सपेक्टिव ड्राइंग चार तरह की आ जाती है, 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, ठीक है। 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग कौन सी है? फॉर एग्जांपल आप रेल का ट्रैक है एक, वहाँ पे खड़े हुए हो और आप दूर देख रहे हो, आपको ये जो रेल ट्रैक है वो एक जगह पे आपको जाके इकट्ठा मिलता हुआ नज़र आएगा, वैनिश होती हुई नज़र आएंगी चीज़ें। साइड पे अगर कोई पोल्स हैं आपकी राइट साइड पे, फॉर एग्जांपल पोल्स हैं, लेफ्ट साइड पे कुछ बाउंड्री है इस तरह से, वो भी आपको उसी पॉइंट पे जाके मिलते हुए नज़र आएंगे, वो एक पॉइंट पे इकट्ठी हो रही हैं सारी चीज़ें, वो हमारा 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग होगी। इसी तरह से अगर हम 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग पे आ जाते हैं तो 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग में क्या होगा, ऐसा इमेज कोई भी कि आप एक, फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग के कॉर्नर पे खड़े हुए, यानी दो स्ट्रीट्स हैं, एक लेफ्ट जा रही है एक राइट जा रही है, आप कॉर्नर पे खड़े हुए हो और आपके सामने एक बिल्डिंग है बहुत बड़ी सी, ठीक है, आपको वो बिल्डिंग लेफ्ट और राइट दोनों साइड्स पे अलग अलग वैनिशिंग पॉइंट्स पे मिलती हुई वैनिश होती हुई नज़र आएगी, ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट पे जाती हुई, वो होगी हमारी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। अब आ जाते हैं हम 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग पे। 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग में क्या होगा, 3 वैनिशिंग पॉइंट बनेंगे, 3 वैनिशिंग पॉइंट, ठीक है। इसमें फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ी सी बिल्डिंग है जो ऊपर की तरफ हाइट में भी बहुत ज़्यादा है और साइड्स से भी काफ़ी बड़ी है, ठीक है। अब आप नीचे खड़े हो उस बिल्डिंग के पास थोड़ा दूर और ऊपर की तरफ मुंह करके उस बिल्डिंग को आप देख रहे हो, वो बिल्डिंग आपको ऊपर की तरफ भी वैनिशिंग पॉइंट पर जाती हुई नज़र आएगी, ठीक है, और साइड्स पे भी, दोनों साइड्स पे भी और ऊपर भी। इसमें कितने 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग बन गई, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग। 4 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग होती है, ये बर्ड आई व्यू होता है, ह्यूमन आई नहीं देख सकती ये व्यू, ठीक है, ये बर्ड आई व्यू है। जब बर्ड ऊपर आसमान वगैरह पर इधर कहीं उड़ रहे होते हैं तो उनका क्या होता है, उनको जो व्यू नज़र आता है वो 4 पॉइंट होता है, वो 4 पर्सपेक्टिव होता है, ठीक है। उनको थोड़ा राउंड नज़र आते हैं क्योंकि उनकी आईज़ जो हैं वो बिल्कुल साइड पे होती हैं, जो इंसान है उनकी जो आईज़ हैं वो बिल्कुल फ्रंट पे दो आईज़ होती हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखोगे जितने भी जानवर हैं जिन्होंने शिकार करना होता है, ठीक है, उनके क्या होता है, आईज़ सामने होती हैं क्योंकि उससे फोकस अच्छा हो सकता है, आपके पास एरिया कम होता है जो आपने कवर करना होता है, आपका फोकस पॉइंट अच्छा बनता है। इसी तरह से जो बर्ड्स होते हैं उनके आईज़ साइड पे होती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शिकार होने से बचना होता है, शिकारियों से बचना होता है, ठीक है, तो इसलिए उनके आईज़ जो हैं अल्लाह ने साइड पे दी हैं ताकि वो बड़ा एरिया कवर कर सकें, ज़्यादा एरिया पे नज़र रख सकें और ख़ुद की जान बचा सकें। अगर उनसे अल्लाह ने एक चीज़ ली है तो उनको एक एक्स्ट्रा दी भी है। अब इसी तरह से हम पहले करेंगे 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग आज।
अब वन पॉइंट पर्सपेक्टिव ड्राइंग, हम ये वर्किंग एरिया ले लेते हैं अपना। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये पेज है, ठीक है, ये पेज है हमारा। अब जस्ट इमेजिन आप एक जगह पे खड़े हुए एक रेल ट्रैक पे, ठीक है, रेल ट्रैक पे आप खड़े हुए हो और आप इस तरफ देख रहे हो, आपके सामने ट्रैक जा रहा है, साइड्स पे इधर पोल्स लगे हुए हैं, इधर बाउंड्री है, किसी का कोई प्लाट है या कुछ भी है, उसने बाउंड्री लगाई हुई है, लोग क्रॉस करके उतर ना आए। इस साइड पे जो है वो इलेक्ट्रिक पोल्स लगे हुए हैं, सही, सेंटर में ट्रैक है, दूर बहुत छोटे छोटे हमें पहाड़ नज़र आ रहे हैं, माउंटेंस, ठीक है। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आपने जस्ट इमेजिन के आप वहाँ खड़े हुए हो, आपको एक पॉइंट पे अर्थ और स्काई जो है वो दोनों मिलते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ पे आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे। ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई, ठीक है। अब इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक जगह आपको वैनिशिंग पॉइंट बनाना है, वो कहाँ बनाना है, आपको रेल ट्रैक नज़र आ रहा है, ये रेल ट्रैक यहाँ पे कट जाता हुआ नज़र आ रहा है आपको, ये वैनिशिंग पॉइंट बन गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपने देखना है कि रेल ट्रैक आपके पास राइट और लेफ्ट इन पॉइंट्स पे है, ठीक है, इतना चौड़ा आपको नज़र आ रहा है। अब इसके लिए आप सिंपल स्केल यूज़ करोगे, इसको वैनिशिंग पॉइंट से मैच कर दोगे, इस पॉइंट को भी वैनिशिंग पॉइंट से मैच कर दोगे, ओके। ट्रैक जो है वो इतना चौड़ा है, एक ट्रैक, इसको वैनिशिंग पॉइंट से मैच कर दो, इधर भी वैनिशिंग पॉइंट से मैच कर दो, ये ट्रैक बन गया हमारा। अब यहाँ पे पोल लगा हुआ है, इस जगह पे हमें एक पोल नज़र आ रहा है। अब आपका आई लेवल ये है, आई लेवल से नीचे ही पोल होगा ना, सिंपल नीचे ही होगा, आपके आई लेवल से ऊपर पोल तो नहीं लगा, ऊपर का हवा में लग जाएगा क्या, नहीं ना, यहाँ पोल लगा होगा। वो पोल जो है इलेक्ट्रिक पोल बिल्कुल स्ट्रेट होगा 90 के एंगल पे और आपके आई लेवल से ऊपर होगा, ऑब्वियसली कोई पोल ऐसा तो नहीं होगा ना इलेक्ट्रिक पोल छोटा सा लगा दें, नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता, इलेक्ट्रिक पोल बड़े ही होते हैं, हमारे आई लेवल से तो ऊपर ही होते हैं। ये फर्स्ट पोल है जो हमें अपने एक्चुअल साइज़ में नज़र आ रहा है क्योंकि हमारे बिल्कुल करीब है। अब यहाँ से आप एक रेफरेंस लाइन लोगे जो कि सीधी वैनिशिंग पॉइंट पे जाएगी, इसी तरह नीचे से भी एक रेफरेंस लाइन लोगे जो वैनिशिंग पॉइंट पे जाएगी, बिल्कुल लाइट लाइन ड्रॉ की है मैंने। अब इसमें क्या होगा, एक पोल यहाँ लगा हुआ है, दूसरे पोल का ये गैप है फर्स्ट पोल से। अब जो मैपको वाले हैं, जो भी हैं इलेक्ट्रिक पोल्स लगाएंगे, वो एक जैसे गैप पे लगाएंगे ना, ये फर्स्ट पोल लग गया, लेकिन हमें क्या होगा, हमें ऐसे नज़र आएगा कि पहला पोल दूसरे पोल से ज़रा गैप कम है, फिर आगे और कम है और कम है और वो साथ साथ होते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा असल में नहीं होगा, हमें नज़र आएगा क्योंकि वो हमसे बहुत दूर हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता हमें करीब होते नज़र आएंगे। अब इसमें सारी आपकी इमेजिनेशन है कि आप किस तरह से उस सीन को इमेजिन करते हो, आपका किस कैसे नज़र आते, और हर पोल एक ही साइज़ का होगा तो ऊपर वाली लाइन को टच करेगा, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट ये इलेक्ट्रिक पोल्स बन गए। अब इसी तरह ये पोल जो है ऊपर ऐसा भी होगा जहाँ पे केबल्स लगेंगी, वायर्स लगेंगी सारे, और दूर वाला हमें बिल्कुल छोटा नज़र आता जाएगा। अब इसी तरह इसके ऊपर कुछ ऐसा होगा, अक्सर आपने कार्टून में टॉम एंड जेरी में देखा होगा ना, इस तरह से लगे होते हैं उसके ऊपर वो होती हैं वायर्स वगैरह लगी होती हैं इस तरह से, ये छोटे छोटे। अब यहाँ पे आप वायर्स बना दोगे, इसी तरह से ये सारी वायर्स बन जाएंगी, ठीक है। फर्स्ट पोल जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे मोटा कर दो कि हमें वो एक्चुअल जो उसका साइज है उसमें नज़र आ रहा है। सेकंड पोल को थोड़ा सा कम कर लो उससे, क्योंकि वो दूर है हमें छोटा नज़र आएगा, ऐसे ये पोल्स बन गए। अब इसी तरह इस साइड पे एक बंदे का प्लॉट है, उसने ना बाउंड्री दी हुई है कि कोई क्रॉस करके उस तरफ ना आ जाए। रेफरेंस लाइन फर्स्ट जो बाउंड्री के लिए उसने छोटा सा एक वुड पैनल लगाया था, वो ये इतना है, ठीक है। अब ऊपर से भी हम एक वैनिशिंग पॉइंट पे लाइन लेंगे। अब इसी तरह से आप ये सारे जो है ना ड्रॉ करोगे, दूर जाते जाएंगे, गैप कम होता जाएगा और रेफरेंस लाइन को साइज टच करता जाएगा। अब इसी तरह इसमें वायर्स होंगी, ये रेजर शार्प वायर्स वगैरह जो होती हैं क्रॉस करके कोई इधर से उधर ना आए वो लगा दोगे।
ये हम 3 लगा देते हैं। इमेजिनेशन है ना, आगे से चीज़ को इमेजिन करते हो और कैसे बनाते हो। आप जब ड्रॉ करोगे पिक्चर की हेल्प ले लेना, मैं तो अभी ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ, पिक्चर की हेल्प ले लेना, नेट पे इतनी सारी मिल जाएंगी। 1 पॉइंट परस्पेक्टिव ड्राइंग लिख के सर्च करना, 2 पॉइंट परस्पेक्टिव ड्राइंग, इस तरह से बहुत सारी मिल जाएंगी। पहला पोल हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, वुड पैनल, दूसरा उससे छोटा, तीसरा ऐसे, इस तरह से। अब जो ट्रैक है, ट्रैक के दरमियान में भी तो इस तरह से वुड पैनल्स होते हैं ना, ये पहला हमें थोड़ा बड़ा नज़र आएगा, दूसरा उससे छोटा नज़र आएगा, आहिस्ता आहिस्ता गैप भी कम होता जाएगा। स्केल बिल्कुल आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है, पर्सपेक्टिव ड्राइंग है, स्केल की हेल्प लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बिल्कुल रफ से एक मैंने इमेज बना लिया। अब दूर हमारे क्या था, पहाड़ थे, ठीक है, कुछ माउंटेन्स इस तरह से, हल्का सा उसका ऐसे रेफरेंस सा देते ना हमने, बस इम्प्रेशन के, हाँ यहाँ पे ये है माउंटेन्स और एट्सेट्रा, ठीक है ना। उसके बाद जो रेफरेंस लाइंस थी वो आप इरेज कर दोगे साथ साथ, ये हो जाएगा। इसके अंदर थोड़े ये स्टोन्स वगैरह जैसे होते हैं वो बना दो इस तरह से, कुछ साइड्स पे डाल दो जैसे होते हैं रेल ट्रैक पे, देखा ही होगा आपने, नहीं देखा तो फिर सर्च कर लो, पिक्चर आपको मिल जाएगी। उसके बाद लाइट सोर्स हम इधर ले लेते हैं, यहाँ से ये पोल्स का शेडो आ जाएगा, इसी तरह इनका शेडो इधर चला जाएगा, ट्रैक का आ जाएगा, यहाँ पे हल्का सा शेडो दे दो, बस ये हमारी पर्सपेक्टिव ड्राइंग कंप्लीट होगी। अब आपने नेट पे सिंपल इस तरह से पर्सपेक्टिव ड्राइंग सर्च करनी है और उसको ड्रॉ करना है। 1 पॉइंट परस्पेक्टिव ड्राइंग पहले कर लो, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा इसमें हमने शेडिंग किस तरह से करनी है।